तो यहाँ पे हमने डीजल फुल किया है 3,631 रुपए का। तो अभी हमें बनाना है हमारी गाड़ी के लिए फास्ट टैग। तो अभी हमारा खाना आ गया। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम जा रहे हैं गांव। तो ये वो फ्लिप फ्लॉप है जो मैंने उस दिन खरीदा था मोहम्मद अली रोड से। तो आज मैंने इसे पहना क्योंकि मैं शूज वगैरह ज़्यादा पहनता हूँ, तो आज मैंने सोचा क्यों ना ये पहन लूँ। तो ये है मेरा बैग। तो हम हमारे गांव कार से जाने वाले हैं। इतना गर्मी लग रहा है ना यहाँ गांव में, तो हालत ख़राब होने वाली है। अच्छा से भी बिल्डिंग से नीचे उतारना, अगर स्टेशन वगैरह पे लेके जाना होता तो हालत ख़राब हो जाती थी। सभी डिक्की में जाने के बाद सीधा घर पे ही निकलेगा। ये पहले रख दो। तो राजू भैया मदद कर रहे हैं हमारी सामान रखाने में, बस खाली नाम के ले रहे। उठा यार भाई से उठवा रहा है तू। तो राजू बाद में आने वाला है गाँव। आने वाला है कि नहीं आने वाला है, सच्ची बोल। ऑडियंस से झूठ नहीं बोलना। मेरे कुछ शूज इसमें हैं, कुछ इसमें हैं, इधर उधर है सब। अभी हमने सारे बैग वगैरह रख लिए गाड़ी में। तो अपना गांव कितना किलोमीटर? 1600 किलोमीटर जाना है हमें। और अभी हम निकल रहे हैं शाम के, कितना टाइम कितना हो रहा है? 5:30। तो शाम के 5:30 बज रहे हैं और अभी हम यहाँ से निकलने वाले हैं। चलते हैं। राजू नहीं जा रहा हमारे साथ, तो राजू जाने वाला है। चल राजू भाई। तो अरबाज आएगा तो राजू निकल के जाएगा घर को। तो हमें 1600 किलोमीटर ड्राइव करना है। ये व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है गाइस, पूरा लास्ट तक देखना, बहुत मजा आने वाला है। क्योंकि 1600 किलोमीटर ड्राइव में हम बहुत कुछ करने वाले हैं, बहुत कुछ मतलब बहुत कुछ। तो आज हमारे साथ हैं सलमान भाई, शाहरुख भाई और अरबाज भाई। तो हम चार जन जाने वाले हैं 1600 किलोमीटर, क्योंकि 1600 किलोमीटर हमारा यहाँ से बैठे रहने कुछ नहीं। नहीं बहुत कुछ होने वाला है गाइस, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग होगा। और सबसे अच्छी बात बताओ तो, जैसे कि आप लोग व्लॉग देखे रहोगे, मेरी गाड़ी पूरी A1 हो गई है। सेकंड थिंग, हमने चारों स्पीकर JBL के लगा दिए हैं और इसके वजह से थोड़ा अच्छा नहीं बज रहा था, तो हमने ये भी केबल भी चेंज कर दिया है। तो हम गाने तो एक से एक सुनते हुए जाएंगे नो डाउट। और फिर क्या एवरेज देती है गाड़ी, कितने पैसे में हम 1600 किलोमीटर ड्राइव करेंगे, कितना खर्चा होने वाला है, A to Z व्लॉग में मैं बताने वाला हूँ। डिटेल व्लॉग भी आप बोल सकते हो, इफ अगर आप अभी ट्रैवल कर रहे हो 1600 किलोमीटर, कितने टोल होने वाले, कितने। इंदौर वाले रूट से नहीं जाएंगे डायरेक्ट, नया रोड बना है नागपुर तक का, एकदम भारी वाला। क्या तो भी नाम है उसका, मोबाइल का है भाई, अभी देख के बता दे। समृद्धि महामार्ग कुछ ऐसा नाम है, समृद्धि महामार्ग। चेक भी कर लो कितना किलोमीटर, तो हम दिखा देंगे प्रॉपर कितना किलोमीटर जाने वाले। इधर से जाएंगे अपन औरंगाबाद होते हुए, जालना होते हुए, अच्छा मालेगांव से होते हुए करंजा, फिर नंदेड़ गांव, वर्धा, फिर पहुंचेंगे अपन नागपुर। नागपुर से होते हुए जाएंगे कटनी, फिर कटनी से होंगे बटनी, जबलपुर, जबलपुर सटना, राजू का गांव आएगा कि नहीं, प्रयागराज। राजू का गांव नहीं है, इधर उधर है ना, छतरपुर अलग है, झांसी में, झांसी उधर से नहीं जा रहे ना अपन। ठीक है ठीक है। कितना किलोमीटर दिखा रहा है इसमें टोटल? ऑलमोस्ट 1500 किलोमीटर समझ लो गाइस। तो 1500 किलोमीटर ड्राइव करने वाले हैं हम। ये व्लॉग बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, सो पूरा एंड तक देखना। इफ आप भी कभी ट्रैवल करोगे 1500-1600 किलोमीटर, तो आपको आइडिया होगा कि कितना डीजल लगने वाला है, कितना पेट्रोल, कितने टोल। चल गाइस, चलो गाइस, बाय बाय राजू, मिलते हैं बहुत जल्दी। अरबाज आ गया है, चल बाय बाय। तो अभी हम हमारे घर से निकले हैं और हमने पूरा मीटर जीरो कर दिया है, तो इससे पता चलेगा हम कितना किलोमीटर चले। तो अभी हम नेशनल हाईवे पे हैं और नेशनल हाईवे की हालत इस टाइम ऐसी हो रखी है ना गाइस, इतना ट्रैफिक, पूरा रोड कंजेस्टेड हो गया, हर जगह काम चालू है, कंस्ट्रक्शन की वजह से बहुत ज्यादा कंजेस्टेड हो गया है और पूरा रोड पे ट्रैफिक है। नेशनल हाईवे की ये हाल है। 28 किलोमीटर चल चुके हैं और हमें अभी 1500 किलोमीटर चलना है। तो अभी हम 37 किलोमीटर चला के आ गए गाड़ी। यहाँ से हम कराने वाले हैं हमारी गाड़ी में डीजल फुल। सो यहाँ पे देखते हैं डीजल का क्या प्राइस चल रहा है। सेम ही है, प्राइस में डिफरेंस नहीं है। तो देखते हैं हम फुल कितने में होती है हमारी गाड़ी। 4000 में हो जाएगा भाई फुल ना। तो यहाँ पे हमने डीजल फुल किया है 3000
631 रुपए का। तो अभी यहाँ से हम डीजल फुल कर लिए हैं। हम हमारे घर से जब निकले थे तो 37 किलोमीटर यहाँ तक चला के आ गए। यहाँ से अब फुल कर लिए, अब देखते हैं हम इसके आगे और कितना ड्राइव कर सकते हैं एक बार फुल करने में। कैसी लग रही है गाइस गाड़ी, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। A few minutes late. तो अभी हमें बनाना है हमारी गाड़ी के लिए फास्ट ट्रैक, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी था फास्ट ट्रैक बना हुआ, बट ये जो फास्ट ट्रैक है ये पेटीएम से रिचार्ज नहीं हो रहा था, ये बंद हो। अभी हम यहाँ से फास्ट ट्रैक बनवाएंगे। यार बात क्या करने वीडियो में आता था उसको फास्ट ट्रैक। तो अभी यहाँ रुके हैं हम हमारा फास्ट ट्रैक बनाने के लिए। तो अभी हमारा फास्ट ट्रैक बन गया और हमारे सामने ही टोल है। ये पहला टोल नाम नहीं आ रहा तुम्हारा सलमान भाई। हाँ ये देख ना, आ गया ना। चलो आ गया ना, अभी निकलते फिर यहाँ से। मोमेंट्स लेटर। तो अभी हम रुके हैं यहाँ पे खाना खाने के लिए, मीना ढाबा करके है। सो यहाँ पे खाना वाना खा के फिर निकलेंगे आगे। तो अभी हम यहाँ पे रुके हैं खाना खाने के लिए, होटल मीना। तो जैसे कश्मीर में गया था मैं मीना बाजार, वैसे ही अब यहाँ हम खाने वाले खाना। और यहाँ पे हमें हमारा जुगाड़ मिल गया, चार्जिंग पॉइंट। तो पहले मैं फ़ोन मेरा थोड़ा चार्ज लगा लेता हूँ। चेक आउट द बीस्ट। तो अभी हमारा खाना आ गया है खाने के लिए। होटल मीना स्पेशल मंगाया हुआ है और ये हमारी बटर नान कुछ ज्यादा जली नहीं हुई है, ये वाली ठीक है। मेरी वाली क्यों जली हुई यार, मेरे साथ ऐसे क्यों होता है हमेशा। तो ज्यादा वेट नहीं कर सकते, खाते हैं पहले इसे, क्योंकि लगी हुई है तगड़ी वाली भूख, ये सब खा के मिलता हूँ मैं। तो अभी हमने चिकन अंगारा भी ऑर्डर किया हुआ है गाइस, चिकन अंगारा भी खाएंगे। इसका टेस्ट तो अच्छा था, बट अभी चिकन अंगारा का भी खा के देखते। 15 मिनट्स लेटर। खाना तो खा के हो गया हमारा, और ये रहा सबसे मेन चीज, तो इसे हम भर भर के खाने वाले हैं। तो अभी हमारा यहाँ से खाना खा के हो गया, और यहाँ का खाना बहुत ही टेस्टी था, अच्छी जगह मिली हमें खाना खाने के लिए। अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, ये हाथ में सब फोन चार्जर वगैरह है। होटल पे जब तक खा रहे थे हम लोग, तब तक सोचे क्यों ना फोन चार्ज कर ले। तो अभी बज रहे हैं रात के 10, और अभी हम पहुंचे हैं कसारा घाट। जॉनी लीवर के अलावा कोई पार नहीं कर सकता वो घाट। अभी हम कसारा घाट पे ही है, और यहाँ का जो व्यू है ना, अभी एक बस गई यहाँ से, ऐसा लग रहा था आहट। और यहाँ का जो आगे है ना, बहुत भगा रहा हो, जबरदस्ती चौप से लाइट मारते जा रहा था। ट्रक वालों को भी अपटी पर मार रहा है। हम लोग ने क्या नंबर है, बस नंबर क्या है, ये पूरा आहट वाली बस लग रही है। तो अभी हमें समुद्र के अंदर समुद्र में गाड़ी चाहिए। तो अभी हमें समुद्री तो अभी हमें समृद्धि मार्ग फोन तो अभी हमें समृद्धि मार्ग क्या है, क्या है इसका नाम, समृद्धि मार्ग। तो अभी हमें समृद्धि अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। अभी हमें समृद्धि बस हवा निकल गई। अभी हमें समृद्धि मार्ग पर जो कि नया बना हुआ है, 700 किलोमीटर की दूरी है डायरेक्टली, यहाँ से स्टार्ट करें इगतपुरी से तो सीधा नागपुर में अपन जाके रुकेंगे। हाँ बट ये नया बना हुआ है तो इसके ऊपर ज्यादा सुविधाएं नहीं है, बट जहाँ पे टोल करता है तो आपके पास टोल फ्री नंबर रहना चाहिए। इफ कुछ प्रॉब्लम हुई तो टोल फ्री नंबर पे आप कॉल करके, आप हेल्पलाइन पे कॉल करके अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। अभी ये नया बना हुआ है तो इस पे ज्यादा फैसिलिटीज नहीं, जैसे कि होटल, और ये 700 किलोमीटर आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है, डायरेक्टली आपको नागपुर में ही मिलेगा जो कुछ मिलना है। तो अभी रात के 11 बज रहे और भाई चला चुके गाड़ी, भाई ने 150 किलोमीटर चला लिए, और अब मैं चलाने वाला हूँ। भाई ने कंप्लीट कर लिया 150 किलोमीटर, तो अभी मैं चलाने वाला हूँ यहाँ से। भाई ने 150 किलोमीटर चला लिया है, तो अभी देखता हूँ मैं कितना चलाता हूँ। यूपी वाले आईफोन द स्क्रीन है, मैं तेरा किंग खान तू साड़ी क्वीन है। अभी रात के 12:30 हो रहे और मैं अभी डन कर चुका हूँ 313 किलोमीटर हो गया, और अभी मैं 163 किलोमीटर डन कर चुका हूँ, और अभी 400 किलोमीटर और चलाना है ये नागपुर पहुँचने के लिए।
तो अभी नागपुर तक मैं चलाने वाला हूँ। नागपुर पहुँचने के बाद थोड़ा रुकेंगे, थोड़ा ब्रेक लेंगे 10-15 मिनट के लिए, चाय शाय मारेंगे क्या, 700 किलोमीटर डन हो जाएगा फिर। बटर साथ में लिए ही है, चाय बटर खाएंगे, मस्त बटर हम घर से लेके आए हैं और उधर भाई सो रहे हैं। तो गाइस कुछ नया देखने मिला, यहाँ पे बारिश भी होना स्टार्ट हो गई है। मुंबई में तो जो गर्मी है क्या ही बताऊं, मेरे को लगा इधर और ज्यादा गर्मी होगी, बट अभी रात के 1 बजे बारिश हो रही है और मैं कंटिन्यू गाड़ी चला रहा हूँ। अभी बज रहे रात के 3:40, अभी हम फिर से डीजल भराने आए हैं गाड़ी में क्योंकि डीजल ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। अभी भी इसमें इतना डीजल है, डीजल हमें भराना पड़ेगा करेंगे, अभी ये सेकंड टाइम है फुल करने का। नेक्स्ट मॉर्निंग हम रुके हैं काके ढाबे पे कुछ मॉर्निंग में नाश्ता करने के लिए। इतनी दिख रही थी काली, इसको देख लो क्या हो गया, ऐसा लग रहा है काला कोयला मार दिया कोई। अभी इसको घर से वॉश करा के लेके आए, अभी वहाँ पहुँचने पे फिर वॉश कराना पड़ेगा, इतने खर्चे लगते ना गाय, नाश्ता करने उतरे थे ना यार। तो आज की मॉर्निंग स्टार्ट हो रही है हमारी चाय से भाई साहब। चेस चेस चेस, बहुत गर्म आज की मॉर्निंग है, चाय और पार्ले जी गोल्ड से। तो अभी हमारा नाश्ता करके हो गया, नाश्ता क्या हमने सिर्फ चाय और बिस्किट खाया और अभी हम निकल, और जलेबी भी खाया, हाँ भूल गया जलेबी मैंने दिखाया नहीं। तो अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, अभी नेक्स्ट स्टॉप पे रुकेंगे, तब तक मैं थोड़ी सी एक छोटी सी नींद ले लेता हूँ। हमारी गाड़ी में कर्टन्स नहीं, तो कर्टन्स का जुगाड़ देखूंगा, 20 रुपए का रुमाल से बना दी कर्टन। अभी मैं चलाने वाला हूँ गाड़ी, अभी सलमान भाई थोड़ा सोएंगे, वैसे भी सोते हुए आए हैं, थोड़ा और इन्हें सोने का मैं मौका दे रहा हूँ, खूब सो खूब मजे करो। तो ये कर्टन्स लग गए और अब हम चलाएंगे, चलो। Soon after. तो अभी हम तीसरी बार जा रहे हैं कार में डीजल डालाने, जब वहां से निकले थे तभी एक बार फुल करे थे, फिर रात में एक बार फुल करे थे, अभी हम यहाँ पे रुके तो हम सोच रहे हैं यहाँ पे भी डीजल फुल करा लें, यहाँ पे भी फुल करा के चलेंगे, और अभी भी आधी टाकी से ऊपर ही है डीजल, फुल कर दो भैया। तो अभी इतना डीजल है, अभी गाड़ी में फिर से हो गया है डीजल फुल, तो अभी यहाँ से निकलते हैं। मोमेंट्स लेटर कंटिन्यूस, मैं अभी 300 से 350 किलोमीटर कंटिन्यू कार चलाया और मुझे कहीं कुछ खाने के लिए मिल नहीं दबा, तो अभी हम एक ढाबा देख के रुके, बट यहाँ पे भी खाने का कुछ ऑप्शन नहीं है, तो अभी हम स्प्राइट पी रहे हैं और अभी यहाँ से निकलेंगे कोई अच्छे से ढाबे पे रुकेंगे, बिकॉज ऑफ यहाँ पे कुछ भी खाने को नहीं, सिर्फ दाल चावल है और मैं दाल चावल नहीं खा सकता। ये देखो मेरे भाई लोग का हाल खराब हो गया। 15 minutes later. तो अभी हमें एक ढाबा और मिला है, यहाँ पे भी हम देखते हैं कुछ खाने के लिए है कि नहीं है अच्छा सा, जी आ रहे हैं ऑर्डर लेने के लिए। तो फाइनली हमें कुछ खाने मिला, पता नहीं देखने में तो टेस्टी नहीं लग रहा है, उसको खा के देखते हैं टेस्टी है कि नहीं है, और ये हमारे लिए यहाँ पे इतना प्याज दिया हुआ है, शेर भाजी ये आलू गोभी, ढाबे का कहीं से मिलता है, कहीं ढाबा ही नहीं मिलता। तो अभी हमारा खाना खा के हो गया और अभी हम निकल गए, खाना देखने में उतना टेस्टी नहीं था बट खाना टेस्टी था, मस्त मज़ा आ गया खा के, दाल जो थी दाल फ्राई बहुत ही अच्छी थी। सो या Many hours later. तो अभी हमें कुछ यूनिक सा दिखा, तो हमने पूछे क्या है, तो गुलाब जामुन है वो, हमने सोचा क्यों ना चलो खा लेते हैं, दीजिए सेट पैसा दीजिए, चार दे दो ना भाई। अरबाज भाई आप तो सोते ही नहीं हो, सो जाया करो थोड़ा। तो ये गुलाब जामुन हम खा लें पहला, टिंगी टिंगी मस्त टेस्टी था, हम लोग ने खाली देखे और रुके खाने के लिए, एक खाए तो हम लोग ने और 2-3 खा लिए, सब लोग ने दो दो खाए, ये बहुत अट्रैक्टिव था, हम लोग ये देख के रुक गए, टेस्ट मस्त था, मजा आ गया, हम लोग को लगा कि ये लस्सी है, लस्सी पियेंगे, पर वहाँ पे मिल गया हमें गुलाब जामुन, तो हमने गुलाब जामुन ढकेल दिया, अभी चलते हैं। The next day. तो एक छोटा सा ब्रेक और ये बहुत ही टेस्टी लगता है गाइस, हम लोग जब भी यहाँ आते हैं हम लोग ये खाते हैं, समोसा दुकान पे रुकते हैं, हाँ यही दुकान पे रुकते हैं, क्या ये समोसा कुल, क्या छोला समोसा, छोला समोसा क्या नाम है भाई इसका, ये इसका छोला समोसा, तो काफी टेस्टी होता है और हम लोग जब भी यहाँ आते हैं तो यहाँ से ये खा के जाते हैं, अभी से खाते हैं।
तो अभी हम पहुंच गए हमारे घर। हम लोग ने इगतपुरी से जो समृद्धि एक्सप्रेस पकड़ा, बहुत ही प्यारी रोड है गाइस। लिटरली अगर आप लोगों को नागपुर वगैरह जाना है तो डायरेक्टली वो 700 किलोमीटर का एक्सप्रेस वे है, जो कि बहुत ही फास्टेस्ट रूट है। और अगर मैं बजट की बात करूँ तो डीजल हमारा 9000 का गया, और अगर मैं टोल की बात करूँ तो 3000 का टोल गया। 9, 3, 12, सो 12000 ऐसे खर्चे हो गए। फिर हमने जो ढाबे वगैरह पे खाना खाया, टोटल मतलब हमारा 17-18 हज़ार रुपए चले गया। तो बजट कुछ ऐसा हुआ। तो ये व्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। ये व्लॉग हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करो, कमेंट करो, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।